नमस्कार, चलो लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ त्यागी। पढ़ते हैं जनपद जालौन की कुछ मुख्य खबरों की। पुलिस अधीक्षक जालौन रवि कुमार के निर्देशन में थाना कोतवाली उड़ी पुलिस टीम को अहम सफलता हाथ लगी। मुखबिर की सटीक जानकारी प्राप्त होते ही थाना कोतवाली उड़ी पुलिस ने क्षेत्र से 05 शातिर वाहन चोरों को 13 अदद चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए चोरों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। ये एक बाइक चोरों का गैंग पकड़ा गया है, जिसमें कुल 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये कार्रवाई थाना उरई की पुलिस ने की है। उन 5 लोगों में से 4 थाना उरई कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं और एक जालौन का रहने वाला है। इन सभी लोगों के पास से कुल 13 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपये है। और इन बाइकों पर इन लोगों ने कुछ के नंबर प्लेट्स भी सिमिलर रखे हुए थे, और ये उनका उद्देश्य मुख्यतः गाड़ी की पहचान छुपाना और गलत रूप से गाड़ियों की चोरी करके उनको अवैध धनार्जन के लिए अलग अलग जगहों पे बेचना था। इस गैंग को पकड़ के इनके खिलाफ आगे की विरोधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। इनके खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी, संपत्ति जब्तीकरण भी किया जाएगा और इस तरह से अग्निविधिक कार्रवाई करते हुए गैंग का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और लोगों को भी जेल भेजा जाएगा। देखिए, ये एक काफ़ी शातिर किस्म के अपराधीगण हैं। इन लोगों ने पड़ोसी जनपदों में, पड़ोसी राज्य में, इसमें जो एक मोटरसाइकिल मिली है वो मध्य प्रदेश का नंबर प्लेट भी उसे पड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये काफ़ी शातिर गिरोह है। कुछ गाड़ियों को झांसी में के मुकदमों से भी कनेक्ट किया गया है, वहाँ से भी इन लोगों ने चोरियाँ की हैं। तो ये काफ़ी एक सक्रिय अपराधियों का गिरोह है और इसलिए इनके खिलाफ गैंगस्टर की भी कर रही है। गिरोह के सारे सदस्य पकड़े जा चुके हैं। 5 लोग पकड़े गए हैं, एक अभी बल्लू मिश्रा फरार। सर, कैसी ये घटना को अंजाम देते? ये बाइकों को चोरियाँ करते थे, फिर एक जगह ला के उनको छुपा के रखते थे, फिर कस्टमर ढूंढते थे और ढूंढने के बाद उनको अलग अलग देहात क्षेत्रों में, रिमोट क्षेत्रों में जाके बेचते थे। एक नंबर की तीन गाड़ियाँ हैं। मैंने जैसा बताया कि इन लोगों ने गाड़ियों की पहचान छुपाने के लिए और गलत कागज पे उस गाड़ियों को निकालने के लिए नंबर प्लेट सेम रखे हुए थे, और इसीलिए इसमें उपयुक्त आईपीसी की धाराएं भी बढ़ाई गई हैं। इस मुकदमे खुलासा करने वाली कोई टीम को इनाम, पूरी टीम को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।